नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद दो दिनों के वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की अमित शाह, पीयूष गोयल समेत कई सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक। संसद में हंगामे के बाद अब तक 15 सांसद हुए सस्पेंड। संसद सुरक्षा में चूक का मामला में आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली में कल शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को दी मंजूरी। संसद सुरक्षा चूक में बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन। लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच, भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे सभी आरोपी। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी सागर शर्मा के पिता से लखनऊ पुलिस ने की पूछताछ। आज खत्म हो रही फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की समय सीमा, UIDAI ने दिया रिमाइंडर। जिले के फतेहपुर बेरी इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली NCR में फिर बढ़े CNG के दाम, 1 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से होगा स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो 2023 का आगाज। श्रीलंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, 1 सप्ताह के अंदर दूसरी घटना। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।